बचपन के दिन वापिस आ जाएं और हमारी वो खुशियां, वो टेंशन फ्री लाइफ दोबारा से हमें मिल जाए और हमारा बचपन वापिस आ जाए और हम इसमें खेले कूदे नाचे गाएं और टेंशन को लात मार के भगाएं। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम 11th क्लास की 4th पोयम चाइल्डहुड पढ़ेंगे, जो पोयम लिखी है मार्कस नेटन ने। किसने लिखी है? मार्कस नेटन ने। बड़ी शानदार सी पोयम है, बचपन के बारे में है। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। अब पोएट को क्या शिकायत है वो इस पोयम में हमें पता लग जाएगा। क्या कहता है पोएट, देखिए। When did my childhood go? अरे मेरा बचपन कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। Was it the day? क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया? I ceased to be 11, जब मैं 11 साल का होकर के मैंने 12वें साल में कदम रखा, क्या तब मेरा बचपन चला गया? कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। Was it the time? क्या वो समय था जब मेरा बचपन चला गया? I realized, जब मैंने महसूस किया that hell and heaven, कि ये जो नरक है और स्वर्ग है, नरक और स्वर्ग could not be found in geography, कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस भूगोल में, इस धरती पर स्वर्ग और नरक नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। जब मुझे इस बात का पता चला, क्या मेरा बचपन तब चला गया? कब गया मेरा बचपन मुझे पता ही नहीं चला। एंड देयरफॉर, इसलिए, कुड नॉट बी, वॉज दैट द डे, कि ये जो हेल एंड हेवन है, स्वर्ग और नरक है, वो इस धरती पे नहीं है, मुझे पता लग गया, क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया? या तो मैं 11 से 12 साल का हो गया तब मेरा बचपन चला गया, मेरे बचपन की सारी खुशियां चली गई, या फिर जब मुझे पता चला कि ना तो स्वर्ग है ना नरक है तब मैं बड़ा हो गया, तब मेरा बचपन चला गया। दूसरा स्टैंजा देखिए। When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया मुझे पता नहीं चला। भाई कब चला गया? Was it the time? क्या वो समय था? I realized, जब मैंने ये महसूस किया that adults were not all they seem to be, कि मेरे बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं हैं जैसे वो लगते हैं, जैसे वो दिखाई देते थे ना, बड़े प्यारे से, बड़े बड़े समझदार से, ऐसे मेरे बड़े नहीं हैं, क्या तब मैं बड़ा हो गया, तब मेरा बचपन चला गया मुझे पता ही नहीं चला। भाई मेरी खुशियां कब चली गई जब मुझे पता चला कि मेरे बड़े ऐसे नहीं हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं हैं, क्या मेरा बचपन तब चला गया। आगे देखिए। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो बड़े बुजुर्ग हमेशा बात करते थे, किसकी? लव की बात करते थे। एंड प्रीस्ट ऑफ लव, और संदेश दिया करते थे, प्यार का संदेश, प्यार की बातें करते थे, प्यार का संदेश देते थे, उपदेश देते थे, अरे प्यार से रहा करो, प्यार से रिलेशन निभाया करो, ऐसी ऐसी बातें करते थे। लेकिन अब मुझे पता चला वो खुद ही लड़ते हैं, क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे पता चला कि मेरे जो अडल्ट्स हैं, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो ऐसे नहीं हैं जैसे वो दिखाई देते थे। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन ये बड़े बुजुर्ग इतने प्यार से काम ही नहीं करते, लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके अंदर प्यार नाम की चीज नहीं है। अब पता चला मुझे कि वो ऐसे नहीं है जैसे दिखते थे। वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया? क्या वो दिन था जब मैं बड़ा हो गया? क्या वो दिन था जब मेरी खुशियां चली गई? नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। When did my childhood go? मेरा चाइल्डहुड कब चला गया? मेरा बचपन कब चला गया? Was it? क्या वो था? When I found my mind was really mine? जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग मेरा खुद का दिमाग है, मेरी सोच मेरी खुद की सोच है, जो मैं सोचता हूं वो मेरी सोच है, मुझे पता चला, क्या मेरा बचपन तब चला गया? टू यूज विच एवर वे आई चूज, और मैं इस दिमाग को यूज कर सकता हूं जिस तरीके से मैं करना चाहता हूं।
जो अपने दिमाग से मैं काम लेना चाहता हूं, वो दिमाग से मैं काम लेना चाहता हूं ना, वो काम मैं कर सकता हूं, अपने विचार में दे सकता हूं। क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे पता चला कि ये खोपड़ी मेरी खोपड़ी है, खुद की खोपड़ी है, इस खोपड़ी को कोई दूसरा हैंडल नहीं कर सकता, इस खोपड़ी से सिर्फ मैं काम कर सकता हूं। क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया? समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए समझ में। आगे देखिए, प्रोड्यूसिंग थॉट्स, और मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं विचारों को, बहुत सारे विचार मैं इस दिमाग से प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और ये विचार दूसरे लोगों के नहीं होंगे। वो विचार किसके होंगे प्यारे बच्चों? वो मेरे खुद के विचार होंगे, क्योंकि ये दिमाग भी मेरा खुद का दिमाग है, विचार भी खुद के होंगे। मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे पता चला कि ये दिमाग सिर्फ मेरा दिमाग है। नेक्स्ट देखिए, बट My own, ये विचार सिर्फ मेरे हैं, and mine alone, और सिर्फ मेरे हैं, ये विचार भी मेरे, ये दिमाग भी मेरा। आगे देखिए, was that the day, क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया, जब मुझे पता चला कि ये खोपड़ी मेरी है, इसमें दिमाग मेरा है, इसके आइडियाज मेरे हैं। क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया? नेक्स्ट स्टेंजा देखिए प्यारे बच्चों, Where did my childhood go? अरे मेरा बचपन कहां चला गया? कहां चला गया? कहां गया मेरा बचपन? It went, ये चला गया, to some forgotten place, एक ऐसी जगह पर जो forgotten है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, अनजान है वो जगह, अनजान है मेरा बचपन, वहां चला गया। शायद that is hidden, वो बचपन छुपा हुआ है, इन एन इन्फेंट्स फेस, एक छोटे से नवजात शिशु, छोटे से बच्चे के चेहरे पर वो बचपन है, वो उसमें छुपा हुआ है, क्योंकि वो बचपन अब जा चुका है, उसको देखा जा सकता है तो सिर्फ एक छोटे से बच्चे के चेहरे में देखा जा सकता है। जो खुशी है देखनी है तो एक बच्चे को देख लीजिए, अब मेरा बचपन तो चला गया, अब इस थोबड़े पे सिर्फ परेशानी ही परेशानी है, खुशी नहीं है, खुशी देखनी है, बचपन देखना है तो एक छोटे से बच्चे का चेहरा देख लीजिए। समझ में आ रहा ना, मेरा बचपन कहां चला गया? पता नहीं कहां चला गया, जिसको देखा जा सकता है सिर्फ एक बच्चे के चेहरे पर, एक मुस्कुराते हुए चेहरे पर। नेक्स्ट लाइन देखिए, दैट्स ऑल आई नो, यही तो सारी चीज है जो मुझे पता है कि शायद मेरा बचपन एक छोटे से बच्चे के चेहरे पर चला गया है। शायद मेरे बचपन की तलाश हो सकती है तो वो सिर्फ एक छोटे से बच्चे के चेहरे पे। कितना दुखी है पोएट, कौन सा पोएट भाई, मार्कस नेटन, कितना दुखी है कि उसका बचपन चला गया। सिर्फ पोएट दुखी नहीं है, हम सब दुखी हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमेशा पश्चाताप करते हैं कि काश वो छोटे दिन वापिस आ जाए, काश वो छोटे दिन नहीं बचपन के दिन वापिस आ जाए, और हमारी वो खुशियां, वो टेंशन फ्री लाइफ दोबारा से हमें मिल जाए, और हमारा बचपन वापिस आ जाए, और हम इसमें खेले कूदे नाचे गाएं और टेंशन को लात मार के भगाएं। ये थी आपकी पोयम, बहुत दिनों बाद मैंने आपकी पोयम डाली है। हाँ, समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, इसके क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी कराऊंगा प्यारे बच्चों। हाँ, अभी कराऊं? नहीं, अभी नहीं कराता, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, बहुत नई वीडियो में कराऊंगा यार, आप टेंशन मत लिया करो। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दो यार, कर दो ना, कर दी ना लाइक, कमेंट भी कर दो, मैंने लाइक कर दिया लाइक ही कराते रहा करो, और कुछ मत कराया करो। एक दो घंटे में, दो महीने में वीडियो डाल लिया सर जी आपने, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, सारा सिलेबस डालूंगा, टेंशन मत लिया करो। ओके, ये मेरी ड्यूटी है सिलेबस कराना, आई विल कंप्लीट योर सिलेबस, ओके, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, दिस इज माय प्रोमिस। ओके बाय बाय, बहुत जल्द, ओके बाय बाय, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बाय बाय।